पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 1200 सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपी के घर तक पहुंची पुलिस। रिटायर्ड फौजी ने दिया था लूट की वारदात को अंजाम। बैंक में गार्ड की नौकरी करता था आरोपी। आरोपी के घर से घटना में उपयोग किया गया सामान हुआ बरामद। आरोपी अरुण कुमार से राठौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपी को पकड़ने के लिए इंदौर पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश रवाना हुई। इंदौर के विजयनगर इलाके में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक में हुई दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की लूट की घटना की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने शहर के करीब 1200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला और कई चौराहों पर नाकेबंदी भी की। आरोपी तो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस आरोपी के घर तक जरूर पहुंच गई। घर के बाहर खड़ी बाइक को भी पुलिस ने पहचान लिया, जो घटना के लिए इस्तेमाल की गई थी। जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची, तो यहां वही सामान मिला जो लूट की वारदात के समय आरोपी ने इस्तेमाल किया था। पुलिस को यहां से वही रेनकोट और बंदूक मिली जो घटना के समय आरोपी के पास थे। पंजाब नेशनल बैंक जो स्क्रीन नंबर 54 में स्थित है, वहाँ एक अपराधी अंदर घुसा जिसके हाथ में बंदूक थी और उसने वहाँ फायर करके और बैंक कर्मचारियों को डराकर और एक बैग में पैसे भरकर वो निकल गया। बाद में जब इस राशि को हम लोगों ने काउंट कराया तो वो लगभग 6,64,000 के आसपास वो राशि थी। एक जगह इनको कैमरे में चेहरा भी दिखाई दिया, आपने देखा होगा कि वो बीच में मास्क लगाए थे। बाद में इन्हें जैसे कैमरे में चेहरा भी दिखाई दे गया और गाड़ी का कलर भी इन्हें बहुत क्लियर हो गया कि गाड़ी ग्रीन रंग की है। पुलिस इस मामले में थोड़ी सौभाग्यशाली रही कि एक घर के बाहर उन्हें वही गाड़ी पार्क की हुई जिस इलाके के पास का कैमरा उन्हें देखने के लिए मिला था। अपराधी घटना करने के तुरंत बाद अपनी पत्नी बच्चों को पैसा देकर और तुरंत रवाना हो गया और घर में सारी चीज़ों को छुपाकर तुरंत रवाना हुआ। जो हमें चीज़ें अभी तक जब्त हुई हैं उसमें राशि लगभग 3 लाख रुपए, इसके अलावा हमें वह बरसाती जो उसने इस्तेमाल की थी वो आप देख रहे होंगे यहाँ अभी जब्त हो चुकी है, वह बंदूक जो इस्तेमाल की गई थी वो जब्त की जा चुकी है। इंदौर में दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना ने यहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए थे। वहीं बदमाशों के बुलंद हौसलों को भी सामने लाकर रख दिया था। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में ये भी पता लगा लिया कि अपराधी कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि उसका ताल्लुक पुलिस और आर्मी से है। बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद जिस तरह से गोली चलाई और उसके बाद गोली के कवर को उठाया, वो आमतौर पर पुलिस या सेना की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब पुलिस अपराधी की पहचान कर रही थी, तो उस समय आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए शहर के कई इलाकों के चक्कर लगा रहा था, ताकि पुलिस को उसकी असली लोकेशन नहीं मिल सके। लेकिन पुलिस आरोपी के घर तक पहुंच गई। पुलिस की माने तो आरोपी का नाम अरुण कुमार सिंह राठौर है, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। घटना के बाद आरोपी इंदौर से फरार हो गया, लेकिन पुलिस को उसके घर से लूटी गई राशि, लाइसेंसी बंदूक और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस की माने तो आरोपी रिटायर्ड फौजी है और पिछले कुछ समय से गार्ड की नौकरी कर रहा था। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल भी जो मैसेजेस थे उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि ये आदमी कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। इसके पीछे जो कारण हमें समझ में आते थे, वो जो सीसीटीवी फुटेज आप सभी लोगों ने भी वो फुटेजेस देखे होंगे, उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कारण समझ में आया वो ये था कि जो बंदूक दिखाई देती थी वो लाइसेंसी बंदूक थी। तो ये बात स्पष्ट होती थी कि लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल कोई सिक्योरिटी गार्ड ही कर सकता है। एक दूसरी चीज़ जो हमें कैमरे में दिखाई दी वो ये थी कि एक राउंड उसकी जेब से नीचे गिरा और वो राउंड उसने उठा के अपने पास रखा। अमूमन गिरे राउंड को उठाने की जो ट्रेनिंग है वो पुलिस कर्मचारियों को या आर्मी के कर्मचारियों को दी जाती है। इस बात से हमें ये समझ में आया कि नॉर्मली अपराधी इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। अब इस घटनाक्रम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीमें 4 तरह से काम कर रही थी। पहला जो हम अमूमन करते हैं कि हमारी एक पूरी टीम सीसीटीवी की ओर, सीसीटीवी फुटेजेस की ओर लगातार देख रही थी। वहीं दूसरी टीम हमारी हमने लगाई कि जितने सिक्योरिटी गार्ड्स का हमारे पास रिकॉर्ड है
उसके बारे में भी हम लोगों ने जांच करना शुरू की, और ख़ास तौर से उस इलाके के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ रहने वाले कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इसके बारे में भी हमारी जाँच शुरू हुई। और मुझे लगता है कि लगभग 1000 के आसपास कैमरे आप लोगों ने खंगाले, और एक एक कैमरे से एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि इनका उत्साह इसलिए बढ़ता गया कि इन्हें एक एक कैमरे से रूट कुछ कुछ क्लियर होता गया। पहले उसने चकमा दिया, कई गलियों में घूमा, और कई गलियों में घूमने के बाद जहां जाकर पुलिस को ये लगा कि इसकी लोकेशन अब लास्ट है, इसके बाद नहीं मिल रही है, वहां पुलिस ने इसके बाद रात में एक एक गाड़ी की तलाशी ली उस पूरे मोहल्ले में, उस पूरी गलियों में, कि कहां कोई वो गाड़ी तो नहीं खड़ी है। और हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी हुई थी। फिलहाल इंदौर पुलिस की एक टीम आरोपी अरुण कुमार सिंह राठौर को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। इस लूट की घटना को आरोपी ने किस वजह से अंजाम दिया, इस बात का खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद ही होगा। वहीं इस घटना से एक बात और साफ हो गई है कि आरोपी कितनी भी कोशिश करे वो पुलिस से बच नहीं सकता है।